तो देख लो जी, ये कार्ड मिल चुका है हमारे हाथों में। कम से कम वो 20-20 डॉलर से तो बचाएगा हमें। बाय बाय। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर। सिंगापुर का ना एक एक जो साइट सीन का और एक एक जो भी अट्रैक्शन है ना, वहाँ का टिकट सब जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। आज पैदल चल चल के सभी को इतना भूख लगा था ना, अभी सब खाने पे टूट पड़े हैं। देख लो, बहुत ही बढ़िया यहाँ से सिंगापुर का स्काईलाइन दिख रहा है। देखो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है सिंगापुर से। हम लोगों ने जो अपना होटल है ना, वो लिटिल इंडिया में ही बुक किया है, नोवोटेल। उसका रूम टूर आपको मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो एंड होने के बाद ना आप जाके इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने चांगी एयरपोर्ट को दिखाया है, कैसे हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट से चांगी आए सिंगापुर एयरलाइन से, उसका सारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी देख लेना। फिलहाल मैं बोल सकता हूँ, ये जो मेरा चैलेंज था 12 महीने में 12 कंट्री का, तो तीसरे कंट्री में तो हम लोग आ गए हैं। आज मेरा पहला दिन है इस कंट्री में। अच्छे से घूमेंगे सिंगापुर, आपको भी घुमाएंगे। और जो मेन काफी सारा बात है जो आपको जानना चाहिए सिंगापुर अगर आप आ रहे हो, तो वो सब बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पे सत्या भाई है। सत्या भाई, क्या हालचाल? थक चुके हैं थोड़ा? हर कोई थक चुका है, बच्चा बड़ा सब थका हुआ है। रेस्ट चाहिए। और भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना हम लोग इंडिया के किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं। सारे इंडियन भरती है भाई, सारे। आपका रूम कितने फ्लोर पे? मुझे 13 में मिला है। ये अपने लगेज जा रहे हैं, देख लो। बस की ना लगाना पड़े, पहले जाते हैं हम लोग 13। अच्छा, की लगाना पड़ेगा। लवली की देना। चलो भाई, की लगाते हैं, हम जाते हैं 13। हाँ, फिलहाल मैं बता दूँ, हमारे होटल का नाम ये है, देख लो, नोवोटेल सिंगापुर ऑन किचनर। ओके भाई, चलो मिलते हैं। चलो भाई, दिखाते हैं आपको अपना रूम। ये अपना रूम है भाई। फाइनली अभी हम लोग अपने होटल में चेक इन कर लिए हैं। तो सिंगापुर में आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में उतना एक्साइटेड नहीं है हम लोग, क्योंकि थकान से बुरा हाल है। सिंगापुर में जो हम लोगों ने ये होटल लिया है ना, इस कैटेगरी के होटल में रहने में ना भाई बैंड बज जाता है। सिंगापुर आपको ही पता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे होटल आप अच्छे से अच्छा होटल ले लो, रूम का जो साइज होता है ना बहुत ही छोटा होता है। वो अभी आपको रूम टूर दूंगा ना तो पता चलेगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से आपको रूम टूर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे ना, तो राइट साइड में आपको दिख जाएगा वॉशरूम, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और ये अपना बेड है, देख लो कितना छोटा रूम है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। वैसे ये वाला सेक्शन काफी छोटा है, ये फिर भी थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे अपना वर्किंग डेस्क है, और ये टीवी स्क्रीन देखो। वैसे सिंगापुर में कहाँ ही टाइम मिलेगा देखने का टीवी, घूमने से ही फुर्सत मिल जाए वही बहुत है। बाकी यहाँ पे काउच बना हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के चिल मारो। ये अपना लगेज यहाँ पे, और जो मैं बता रहा था ना, मैंने अभी एक नया चीज अपने लिए परचेस किया है, वो है अपना ये DJI का ये माइक। तो ये फ्लाइट वगैरह में जब मैं व्लॉग करता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा मतलब साउंड में प्रॉब्लम होता है, तो मुझे बार बार वॉइस ओवर करना पड़ता था, तब ये मे भी शायद मेरे काम को आसान बना दे। तो खैर, इसको अभी रखते हैं। ये सिंगापुर के बहुत सारे वीडियो में भी मैं इसका यूज करने वाला हूँ, वो आप लोग ही बताना कैसा है ये। वैसे लास्ट वीडियो में ना मैंने थोड़ा इसको ट्राई किया था, वो भी देखना, आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे यहाँ से व्यू है बाहर का, वो दिखाऊंगा किस टाइप का व्यू मिला है हमें। और ये देख लो, यहाँ पे है वार्डरोब प्रेस रिलीज। ओके, चलो बढ़िया है भाई, यहाँ पे आयरन वगैरह दे रखा है इन्होंने। मेरा एक दो शर्ट को ना आयरन करना था, वो हो जाएगा। और यहाँ पे है अपना चाय कॉफी बनाने का सारा तामझाम, इंस्टेंट कॉफी है। ओ भाई सही है, चलो बढ़िया, चाय कॉफी मिल जाएगा अपने को। वैसे हम लोग अपने साथ वो चाय उसका प्रीमिक्स भी लेकर आए, तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या मिनी फ्रिज है? हाँ, नीचे मिनी फ्रिज भी है, लॉकर भी है, हेयर ड्रायर भी है। और यहाँ नीचे की तरफ स्लीपर तो है ही। ये सब क्या दे रखा है इन्होंने? अच्छा, यहाँ पे नीचे इनका एक कैफे है, उसी का मेन्यू है। अगर सिंगापुर में मैं खाने की रेट की बात करूँ ना, तो देख लो, एक क्लब सैंडविच जो है वो 28 सिंगापुर डॉलर का है, ऑलमोस्ट 1600-1700 रुपए का सैंडविच है। ये जो बासमती राइस है वही है 400-500 रुपए का, 2 पीस चपाती भी 500 रुपए का। वो एक वीडियो में बनाऊंगा सेपरेट कि सिंगापुर कितना महंगा है। और इधर एक वैसे बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, और वॉशरूम तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। कुछ ऐसा अपना रूम है, रूम साइज बहुत छोटा है जितना हम लोगों ने इसके लिए पे किया है। तो मैं बता दूं, पर नाइट इस नोवोटेल के लिए हम लोगों ने पे किया है 12,000 रुपीज। तो हाँ जी, 12,000 रुपए में हम लोगों ने बुक किया है इसको पर नाइट के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। क्या ही कर सकते हैं भाई, बहुत महंगा है, हर चीज यहाँ पे महंगा है। अब सबसे मेन चीज दिखाते हैं व्यू। तो देख लो, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू मिलता है भाई, बढ़िया व्यू है, पूरा ये लिटिल इंडिया दिखता है हमारे होटल रूम से। रात में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये नजारा, रात के नजारे भी दिखाऊंगा मैं। वैसे अभी अपने इंडिया का टाइम देख लो, 10:53 हो रहा है। सिंगापुर मैं बता दूं, इंडिया से ना 2.5 घंटा आगे चलता है। तो जो भी मैं सिंगापुर का टाइम बताऊंगा ना, आप 2.5 घंटे माइनस कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा उस समय इंडिया का क्या टाइम हो रहा है। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं इनका वॉशरूम। भाई रूम इतना छोटा है तो वॉशरूम भी तो छोटा होगा ही। मिरर काफी बढ़िया लग रहा है, काफी बढ़िया लाइट लगा के रखा है। सेम सिंगापुर एयरलाइन वाला वीडियो जाके देखना आप लोग, उनका भी जो वॉशरूम था ना, ऐसे ही उन्होंने मिरर में भी लाइट लगा के रखा था। साथ ही यहाँ पे ये टूथब्रश,
सैनिटरी बैग, शावर कैप। ये जो शावर एरिया है ना, ये भी अलग है। फिलहाल कुछ ऐसा ही है, वॉशरूम देख लो। तो अभी एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, थोड़ा फ्रेश होता है, मैं तो सो जाऊंगा क्योंकि हम लोग कल शाम से ही निकले हैं, पूरे रात भर हम लोग फ्लाइट में ही थे, काफी ज्यादा टायर्ड भी हो गए, फेस से भी पता चल रहा होगा। तो अभी एक काम करेंगे ना, नहा धोकर ना मैं चला जाऊंगा सोने के लिए। अब देखो रात में कब तक जगते हैं, तब बाहर निकलेंगे तो बाहर के नजारे आपको दिखाएंगे। फ्रेश होकर आने के बाद मैं तो सोचा सो जाऊंगा, जैसे ही मैं बेड पे गया फिर मम्मी से बात होने लगा, फिर उसके बाद से अपने एडिटिंग में लग गया मैं, तो नींद तो भैया हुआ ही नहीं। मैं समझ गया मुझे रात में ही सोने को मिलेगा। अभी जस्ट मेरा एडिटिंग कंप्लीट हुआ और सत्य भाई का कॉल आया। एक्चुअली उनका जो रूम है ना, ऊपर वाला रूम है, मतलब मेरा 13th फ्लोर पे, उनका 14th फ्लोर पे। वही बोल रहे हैं, मोहित भाई मस्त गुड़ वाली चाय बना रहे, मतलब वो प्रीमिक्स पैकेट लेकर आए। वो बोले कि रूम में आ जाओ मिलके पीते हैं। मैं बोला भाई आप 2 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आता हूं और आधे मिनट में आप चाय बनाकर रेडी कर देना। एक काम करते हैं, जाते हैं सत्य भाई के रूम में और उनके रूम से कैसा व्यू है, उनका रूम कैसा है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो मैंने DJI का माइक लिया है ना, ये भी ले लेता हूँ मैं, वहीं जाके ना सारा सेटअप वगैरह करते हैं इसका। तो देख लो जी, अभी मैं सत्य भाई के रूम में आ गया हूँ। तो इनका भी रूम सेम ही अपने जैसा, लेकिन इनका क्या है ना, ये बेड वाला स्पेस बहुत ज्यादा है। एक बार मेरे रूम में आना सत्य भाई, आपको पता चलेगा। हमारा ना जिस साइड बेड है ना, उस साइड एकदम छोटा सा कर दिया है, थोड़ा सा ये टीवी वाले जगह में ना जगह दे दिया है, थोड़ा सा वो लिविंग स्पेस टाइप का नहीं होता है, वार्डरोब वाले जगह पे थोड़ा स्पेस है। अदरवाइज इनका व्यू भी सेम ही है जैसा हमारा है, बट सत्य भाई के रूम से ना बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा दिख रहा है, रात में काफी कमाल का व्यू मिलेगा। फिलहाल ये देख लो अपनी गुड़ वाली चाय। आपने ये रूम को कितने में बुक किया है? पर नाइट विदाउट ब्रेकफास्ट। तो देख लो भाई, तो आप अगर सिंगापुर आ रहे हो ना, ये चीज का ध्यान रखना। बाय द वे ये कोई 5-स्टार होटल नहीं है, ये एक 4-स्टार होटल है। 4-स्टार होटल यहाँ पे 15,000 में मिल रहा है, वो भी विदाउट ब्रेकफास्ट। अभी फिलहाल यहाँ पे देख लो, कुछ मंगा नहीं सकते क्योंकि मैंने रेट चेक करा, 600 रुपए का बासमती राइस। हेल्दी ब्रेकफास्ट 22 दिखा रहा सिंगापुर डॉलर, और लगभग पड़ेगा हमने 1400 के आसपास ना, 1400-1500 के आसपास। उसमें है मूसली, योगर्ट, सीजनल फ्रूट, ग्रीन सैलेड और जूस। फिलहाल अभी देख लो यही मिक्सचर वगैरह खाकर काम चला रहे हैं। और अभी ना सत्य भाई ने एक चीज ट्राई करवाया, ये मैक्सिकन कॉइन खाकरा। कहाँ से लिया था सत्य भाई आपने? अमृतसर में कृष्णा फूड्स नाम का है, वहाँ से ऑल इंडिया डिलीवरी भी है कृष्णा फूड्स। तो भाई देखो आप क्या ट्राई करोगे नहीं करोगे, मैं तो एक बार रिकमेंड करूंगा एक बार ये ना मैक्सिकन कॉइन खाकरा एक बार खाना। नंबर आपको दिख जाएगा, ये देख लो, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो कॉल करके ना, क्योंकि ये सत्य भाई बता रहे हैं कि ऑल इंडिया डिलीवरी है। खाकरा, फाफड़ा, थेपला, मूंगफली में 5-6 वैरायटी। तो मूंगफली मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने अभी ये खाकरा ट्राई किया, भाई क्या ही डिलीशियस लग रहा है ये। चाय के साथ इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं हो सकता। चलो जी, अभी रूम में आके ना रेडी हो गया हूँ मैं, क्योंकि अभी प्लान हो रहा है हमारा ऐसे इवनिंग में ना थोड़ा निकलेंगे घूमने के लिए। आज का डे ना हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद हमारा प्लान था अभी रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को कहीं घूमने जाएंगे, कहीं का टिकट मिलेगा तो ले लेंगे। वही अभी हम लोग रेडी हो गए, निकल रहे फटाफट। लेकिन निकलने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टाइम देख लो रात का लगभग 7 बज रहा है, लेकिन सिंगापुर में देख लो अभी भी रात नहीं हुआ है। और सामने की तरफ देख लो काफी बढ़िया सनसेट हो रहा है। तो देख लो अपने रूम से इतना बढ़िया व्यू है कि क्या ही बताऊं मैं। चलो जी अभी देख लो निकल चुके हैं हम लोग सिंगापुर की सड़कों पे। यहाँ सब कुछ ना देखकर क्रॉस करना पड़ता है। वैसे तो ग्रैब है, गोजैक है, बहुत सारा ऑप्शन है बाइक ऐप से जाने का, लेकिन अभी हमारा प्लान हो रहा है ना यहाँ का बहुत फेमस है MRT, वो लेने का, लाइक मेट्रो आप बोल सकते हो। ऑलराइट, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देख लो MRT स्टेशन। ये जगह का नाम है फेरर पार्क। टिकट वगैरह कुछ नहीं है अपने पास, पहले तो टिकट लेते हैं। और ये पता करना पड़ेगा हमें गार्डन्स बाय द बे जाने के लिए कहाँ उतरना है। वैसे भी हम लोग कैब से भी जा सकते थे, लेकिन मेट्रो से आने का एक रीजन था ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाए। आप अगर सिंगापुर आ रहे हो ना तो सस्ते में कैसे घूम सकते हो, क्योंकि सिंगापुर तो है काफी महंगा। वैसे आपको दिख जाएगा फेयर, तो फेयर यहाँ पे आप देखोगे ना मैक्सिमम शायद मुझे $2 का दिखा था। एक ये रहा इनका MRT का रूट, देख लो एक बार, जैसे दिल्ली में है ना येलो लाइन ग्रीन लाइन, वैसे यहाँ भी अलग अलग लाइन है देख लो। तो ये तो समझाने जाऊंगा तो भाई रात हो जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। तो अभी हम लोग टिकट का पता करने गए ना, तो इन्होंने देख लो हमें ये पकड़ा दिया, सिंगापुर टूरिस्ट पास। अगर आप ये पास ले लेते हो ना, देखो नीचे में लिखा भी हुआ है, अगर आपको एक दिन के लिए चाहिए तो $22 में, ये अनलिमिटेड है, जितने बार MRT लो, बस लो। अदरवाइज 3 डे का भी पास है, 2 डे का भी पास है। और ये कार्ड जो है ना आपको वापस करना पड़ेगा, कुछ डिपॉजिट भी लेते हैं ये $10 वापस करेंगे जब आप, मतलब ये मान लो आपसे पैसे लेंगे $34 लेंगे तो 10 आपको मिल जाएगा। नीचे में देखो इंक्लूसिव ऑफ $10 रिफंडेबल डिपॉजिट। अच्छा एक चीज है,
$20 तो हमारा कैब का प्राइस है अगर एक बार एयरपोर्ट जाना है तो। हाँ सबसे देखो सबसे शायद है कि वर्थ हो। वर्थ तो है। एयरपोर्ट का कितना दिया है इसमें तो देख लो जी, ये कार्ड आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत पैसा बचेगा आपका। यही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है लेकिन पैसे बहुत बचा लोगे आप। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप आ रहे हो सिंगापुर तो ये कार्ड ले लो। बाकी हमारा गार्डन बाय द बे का प्लान था लेकिन वो बंद ना हो जाए, वही डाउट है अभी। चलो देखते हैं क्या प्लान होता है, बताते हैं आपको। अब यहाँ पे आए गए ना तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको ले ही लेते हैं, बहुत काम हो जाएगा क्योंकि कैब तो मैं देख रहा हूँ मिनिमम $20 है और यहाँ पे आपको $34 में 3 दिनों के लिए मिल रहा है। बस MRT यहाँ का सब कुछ हो जाएगा और बाकी ये भी ले लेते हैं, एक मैप भी बना हुआ है इसमें काम आएगा हमारे। $34 लग रहा है ना, आप देखा जाए तो $24 लग रहा है ये, क्योंकि $10 रिफंड हो जाएगा। तो देख लो जी ये कार्ड मिल चुका है हमारे हाथों में, कम से कम वो $20 से तो बचाएगा हमें। चलो तो ऐसा कुछ है, देख लो यहाँ का MRT जैसे हमारे वहाँ भी बना रहता है ना। हार्बर फ्रंट के लिए हमें यहाँ जाना है, पुंगोल के लिए यहाँ वाला मेट्रो लेना है। अभी हम लोग वही ग्रैब में चेक कर रहे थे ना तो हमें टोटल शायद $23 दिखा रहा था सिंगापुर डॉलर, $1500 शो कर रहा था बस 6 किलोमीटर के लिए। तो हम लोगों ने ये कार्ड ले लिया, अभी हम लोग को जाना है आउटरम पार्क और ये आ चुकी है अपनी मेट्रो। ओ भाई ईजी है, बस आप मैप फॉलो करना आपको सब पता चल जाएगा। यह आ गया अपना सबसे पहला स्टॉप लिटिल इंडिया। देख लो अब जो नेक्स्ट स्टॉप है ना वो है धोबी घाट, तो उसको थोड़ा चेंज करके हो गया धोबी घाट। हमें जाना है देख लो आउटरम पार्क तक, मतलब चाइना टाउन के बाद हमारा स्टॉप आने वाला है। अभी एक चीज और नोटिस किया हम लोगों ने, यहाँ ना तमिल में भी अनाउंसमेंट होता है। अभी हमें ये नहीं पता कि हम जिस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं उधर इतना ही भीड़ रहता है कि नहीं, क्योंकि ये वाला रूट तो पूरा अभी तक तो खाली खाली सा लगा है। ये जो कार्ड है 5 साल तक वैलिड रहता है, तो ये सही है अगर आपको बैक टू बैक आना है तो। वैसे तो मुझे जो वीजा मिला है 2 साल के लिए मल्टीपल एंट्री। अभी हमें जाना है ब्राउन लाइन पे, ये चीज काफी अच्छा लगा। देख लो हम लाइन पे हैं और जिनको जल्दी जाना है ना वो साइड से जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई किधर भी घुस गया। तो यहाँ पे देख लो आप साफ समझ सकते हो येलो लाइन यहाँ है, ग्रीन लाइन उधर है और ब्राउन लाइन इधर है। ये ब्राउन है तो देख लो पूरा ब्राउन आपको दिख रहा होगा, बस आप यही देख कर फॉलो करो आपको पता चल जाएगा। गार्डन्स बाय द बे के लिए 2 मिनट में मेट्रो है, वुडलैंड नॉर्थ के लिए 6 मिनट में। तो सिंगापुर में यही है ना, कैब वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना एक तो सस्ता भी है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है। वैसे इधर भी मेट्रो खाली लग रहा है मेरे को, इस टाइम तो भीड़ होना चाहिए ना। सच बता रहा हूँ मुझे वो हावड़ा मैदान मेट्रो का जब मैं इनॉग्रल किया था ना उसका याद आ गया। नो बाय 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 बाय। अभी हमारी MRT रुकी हुई है मरीना बे। चलो जी अब अपना अगला स्टॉप है गार्डन बाय द बे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय दिस, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टेक केयर, बाय बाय बाय। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन बाय द बे, टिकट लेते हैं फिर अंदर। आपको लाइट शो शायद मिस हो गया हमारा, वो 7:30 बजे मैंने टाइम देखा था या 8 बजे के आसपास। लाइट शो होता है ना वहाँ पे, वही तो मेन है गार्डन बाय द बे। नहीं नहीं चलते हैं ना अभी, मान लो हो सकता है कुछ हो क्योंकि 9 बजे तक टाइमिंग तो दिखा रहा है खुला रहता है। ये अभी हम लोग गार्डन बाय द बे मेट्रो से निकल चुके हैं, ये रहा सामने ही देख लो और उधर दिख रहा है हमें मरीना बे सैंड होटल। फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच गए। मेट्रो से निकलने के बाद भी ना 500-600 मीटर तो आपको चलना ही पड़ेगा। 850 मीटर। वैसे तो मुझे कॉम्बो में टिकट चाहिए था क्लाउड फॉरेस्ट का और फ्लावर डॉम का, लेकिन अभी काफी लेट हो गया हम लोग, लास्ट एंट्री 8:30 बजे तक का है तो इसलिए अभी हम लोग भाग रहे हैं फटाफट। वैसे 9 बजे क्लोजिंग टाइम है लेकिन लास्ट एंट्री इनका 8:30 बजे होगा। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1500 या फिर 1600 रुपए का टिकट है। ऑटोमेटिक डोर है, वाओ। वैसे इन्होंने ना अंदर में देख लो कुछ ऐसा आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना के रखा हुआ है, अलग सा ठंडकपन है ना, वो एयर कंडीशन ऑन है पूरा, ऐसा लग रहा है ना पूरा रेन फॉरेस्ट के अंदर आए हुए हम लोग। वैसे मैं बता दूं 1550 रुपए का ना पर हेड टिकट है। मुझे 2 जगह का टिकट लेना था, एक फ्लावर डॉम और एक क्लाउड फॉरेस्ट, बट वो बोले टाइम बहुत कम है आपके पास, एक्चुअली मेट्रो के चक्कर में ना बहुत लेट हो गया हमारा। मुझे बस एक ही जगह का टिकट मिल पाया जो कि था क्लाउड फॉरेस्ट, वो भी 9 बजे बंद हो जाएगा अभी।
तो एक काम करते हैं, अंदर घूमते हैं, फ्लावर डोम का देखेंगे, फोटोज वगैरह अगर लगेगा यूनिक है तो लास्ट डे में फिर से आ जाएंगे। अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो रहा हूँ, और ये जो आर्टिफिशियल साउंड सब आ रहा है ना, जैसे लग रहा है घने जंगल में हम लोग आए हुए हैं। देख लो कुछ कुछ आर्टिफिशियल्स है, लेकिन ये मैक्सिमम ओरिजिनल है। अभी हमें देख लो यहाँ जाना है, टू द लॉस्ट वर्ल्ड। ऊपर जाने के लिए भी लिफ्ट है, लेकिन सीढ़ी से ही चलते हैं। ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, देख लो काफी सारे प्रेमी जोड़े ना यहाँ पे बैठ के फोटो ले रहे थे। अभी थोड़ा खाली हुआ तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। आर्टिफिशियल वाली फीलिंग तो आ रही है। हाँ, आर्टिफिशियल ओरिजिनल भी कुछ कुछ है, कुछ कुछ आर्टिफिशियल्स भी है, वो पता चल रहा है। और सामने की तरफ देख लो, दिख रहा होगा आपको मरीना बे सैंड होटल। तो यही क्लाउड वॉक है इनका, देख लो बनाया तो नो डाउट काफी बढ़िया है। देख लो अभी हम लोग ना क्लाउड वॉक के साइड में आकर ना थोड़ा सा वॉक तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया है अभी, ताकि आप लोग को ये नज़ारे दिखा पाऊँ। देख लो अंदर से कुछ ऐसा है, बाकी अभी भी रास्ता गया हुआ है, देख लो यहाँ से पूरा वहां तक। देखते हैं अभी भी हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। यहाँ से वाटरफॉल का व्यू है, देखते हैं। ओ भाई, यहाँ से तो नो डाउट काफी कमाल का व्यू है। क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे काफी अच्छा मैसेज देने का ट्राई किया गया है। जो इतना पेड़ पौधा कट रहा है ना, उससे काफी सारा ग्लेशियर्स पिघल रहा है, वो सभी दिखाया गया है। ओ भाई, मैंने एक चीज देखा है, यहाँ पे काफी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और साइकिल में ना काफी लाउड म्यूजिक भी सुन रहे हैं। बढ़िया, अच्छा लेन है ये वॉक करने के लिए, चिल मारने के लिए। तो अभी हम लोग वॉक करते करते पहुंच गए हैं, देख लो सिंगापुर फ्लायर के पास। काफी मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और यही है देख लो मरीना बे सैंड होटल भी। काफी बढ़िया स्काईलाइन दिख रहा है, अच्छा फोटोज वीडियोस ले सकते हो आप यहाँ से। अभी चलते चलते ना एक छोटा सा ब्रिज आया है यहाँ पे, देख लो, और यहाँ से काफी बढ़िया व्यू है मरीना बे सैंड का भी। लेकिन अच्छा व्यू आपको कल दिखाऊंगा कहाँ से आपको बढ़िया फोटोज मिलेगा। और ये जो हम लोग है ना बैक साइड में, इसका जो फ्रंट साइड है ना वो उस वाले साइड है, तो उधर से काफी बढ़िया फोटो आता है। सिंगापुर का ना एक एक जो साइट सीन का और एक एक जो भी अट्रैक्शन है ना, वहाँ का टिकट सब जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए रिस्क लेंगे, अगर जो अच्छा रहेगा वो आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ से काफी बढ़िया व्यू आ रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने एक फोटो ब्रेक लिया था। अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर, और सामने में ही देख लो एक होटल दिख रहा है, पैन पैसिफिक। चलो भाई अब जाते हैं होटल की तरफ, चल चल के हालत खराब हो गया भाई, अच्छा खासा वॉक करना पड़ गया। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल अभी हमें जाना है बेसमेंट में इस मॉल के। हमें लगा ये नॉर्मल मॉल होगा, लेकिन ये भी काफी अच्छा खासा मॉल है यार। सिंगापुर का दूसरा ना मॉल सिटी में बोलूंगा भाई, एक से बढ़कर एक मॉल है यहाँ पे। और ये पीछे देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ से सिंगापुर का स्काईलाइन दिख रहा है। देखो वैसे हम लोग तो जा रहे हैं एमआरटी की तरफ, लेकिन यहाँ ना इनका टैक्सी स्टैंड है, और जितना इनका टैक्सी सब आ रहा है ना भाई, वेल मेंटेन, साफ सुथरा एकदम, ये देख लो भाई। और एक चीज है, यहाँ पे जो टैक्सी सब है ना, सभी का सभी देख लो काफी कलरफुल है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है। और एक चीज देख लो, आपको सिंगापुर में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मिल जाएगा हर जगह। मुझे भी कुछ पैसे निकालना है, पहले सत्या भाई निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लो सिटी बैंक का भी एटीएम है, स्टेट बैंक भी है। और मैं देख रहा था ना मॉल के अंदर बोटिंग वगैरह भी होता है, देख लो वहाँ पे आऊंगा कल, अगर मौका मिला कल या फिर परसों आऊंगा मैं। अभी वापस से हम लोगों ने मेट्रो ले लिया है लिटिल इंडिया के लिए। मेट्रो में घूमना यहाँ पे इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ता है, एक बात तो है। और तीन स्टॉप बाद है लिटिल इंडिया। हमें तो लग रहा था मेट्रो खाली रहता है, लेकिन ये वाला रूट तो पूरा पैक्ड है, शॉर्टकट भी है। वैसे तो हम लोग मेट्रो से लिटिल इंडिया उतर गए थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना है ना, वो लगभग रात के 10 बजे बंद हो जाता है, तो बंद हो गया था। और अभी हम लोग वैसे लिटिल इंडिया में ही घूम रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो हमारा होटल है ना नो होटल, उसके आसपास में ही सब कुछ है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो पूरा आपको इंडिया वाला वाइब्स आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ना अच्छे से कवर करूंगा। फिलहाल अभी हमें बहुत जोर का भूख लगा है, तो अभी हम लोग यहाँ आ गए, देख लो वेल्स रेस्टोरेंट, जाते हैं अंदर, कुछ बढ़िया साउथ इंडियन खाते हैं, प्योर वेज है भाई। ये मील आ चुका है, देख लो मैंने मील मंगवाया था अपने लिए। बाकी सच बता रहे हैं अभी रिव्यू के चक्कर में नहीं आया, बहुत जोर भूख लगा है उस चक्कर में। खाना खाएंगे, बता देंगे आपको कैसा है यहाँ का खाना। सत्या भाई ने अपने लिए परोठा मंगाया और साथ में करी है कुछ। लवली का ये सेट मिनी टिफिन है, तो इन सब का टोटल मैं बता दूंगा आपको, पहले खाते हैं खाना कैसा है वो भी आपको बताएंगे। आज पैदल चल चल के सभी को इतना भूख लगा था ना, अभी सब खाने पे टूट पड़े हैं। देख लो सत्या भाई, हमारा कितना स्टेप था, 15,000 स्टेप हम लोगों ने चला है भाई साहब। एक बात तो है, मेट्रो आपका पैसा तो बहुत बचाएगा, लेकिन वॉकिंग भी करवाएगा। फिलहाल अभी खाना ट्राई करते हैं। खाना मैंने ये जो मील मंगाया ना बहुत अच्छा है। सत्य भाई आपका परोठा और क्या है वो कोरमा कैसा है? अच्छा। बाकी लवली ने ये टिफिन ऑर्डर किया था, कैसा है?
होटल रूम आते आते लगभग रात का 1 बज गया था, 1 मतलब सिंगापुर का। अपने इंडिया में उस समय 10:30 या 11 बजा होगा, क्योंकि अभी भी जो हमारा माइंड है ना वो इंडिया वाले टाइम में ही है, तो इसलिए 1-1.5 बजे तक भी नींद नहीं आता है यहाँ पे। आप भी कभी फ्यूचर में ऐसे ट्रिप करोगे ना, इंटरनेशनल ट्रिप जो इंडिया से 2-2.5 घंटे आगे 4-5 घंटे आगे रहेगा, तो पहले 2-3 दिन तो आप इंडिया वाले टाइम से ही चलोगे, खाओगे, उठोगे, बैठोगे, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है वो। फिर इंडिया में जाकर दिक्कत होगा, आप जल्दी सोने लगोगे, जल्दी उठ जाओगे। फिलहाल हम लोग वही रूम आ गए थे। वैसे तो ये हमारा फर्स्ट डे था सिंगापुर में, आसपास जो था ना वो हम लोगों ने कवर किया, बाकी कल से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि मोहित भाई आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो देखो अब इसका क्या सीन है नहीं पता मेरे को, इतना पता है अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो तो एक बार चेक कर लेना जाके, वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा डेली। नेक्स्ट वाले में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको, जो अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो लेकर आना। चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और एक बात है, आप अगर सिंगापुर से हो या फिर सिंगापुर घूम चुके हो तो बताना मुझे कहाँ जाना चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा मेन जगह है जहाँ पे मुझे कवर करना ही चाहिए। कम से कम 4 या 5 दिन हूँ मैं यहाँ पे, तो कवर कर लूंगा मैं। तो चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।